Welcome and very good morning to all. This is the fifth lecture of thermodynamics, and in this lecture we will solve the numericals based on thermodynamic work. Now, first numerical kya diya hua hai? A spherical balloon of 1 meter diameter contains a gas at 150 kilopascal. एक balloon है, spherical balloon है, जिसका diameter कितना है? 1 meter diameter है, और उसके अंदर pressure कितना दिया हुआ है? Initially 150 kilopascal दिया हुआ है. Now, the gas inside the balloon is heated until the pressure reaches 450 kilopascal. अब क्या कर रहे हैं? उस balloon में हम heat दे रहे हैं. कब तक दे रहे हैं? जब तक उसका pressure कहाँ तक नहीं पहुँचता? 150 से 450 तक जब तक नहीं पहुँचता, तब तक हम उसको क्या करेंगे? Heat देते रहेंगे. Now, during the process of heating, the pressure of a gas is directly proportional to the cube of diameter. ठीक है, जो भी gas का pressure है वो directly किसके proportional है? डायमीटर के क्यूब के प्रोपोर्शनल रहेगा. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, अच्छा ये हो गया. फाइंड वर्क डन बाय द गैस इनसाइड द बलून, ठीक है, कितना वर्क किया गैस ने बलून के अंदर वो हमको निकालना है. नाउ सबसे पहले अभी यहां पर कुछ भी गिवन नहीं दिया, ना कोई सी प्रोसेस दी कि वॉल्यूम प्रोसेस है, प्रेशर प्रोसेस है, टेम्परेचर प्रोसेस है. तो हमको सबसे पहले क्या चीज अजम्पशन करना है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? क्लोज्ड सिस्टम पढ़ा है. तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले, सबसे पहले जब यहां पे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सबसे पहले आएगा अजम्पशंस. अजम्पशंस जिसमें फर्स्ट अजम्पशंस क्या रहेगा कि जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है? क्लोज्ड सिस्टम है. और दूसरा, जो प्रोसेस हो रही है वो कौन सी है? रिवर्सिबल प्रोसेस है. जब ये दो अजम्पशंस लेंगे तभी हम वर्क की कौन सी इक्वेशन को यूज करते हैं, कर सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड थी? क्लोज्ड सिस्टम और रिवर्सिबल वर्क के लिए वैलिड थी. तो जब भी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आए, सबसे पहले आप अजम्पशंस लिखे, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करें. नाउ क्या क्या चीज गिवन दी है, सबसे पहले वो देख लेते हैं क्या क्या चीज गिवन है. क्या बोला है? डायमीटर d1 कितना दिया हुआ है? 1 मीटर दिया हुआ है. ठीक है, और प्रेशर, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, जब 1 मीटर डायमीटर था तब प्रेशर कितना दिया है? 150 किलोपास्कल दिया हुआ है. नाउ अब हमने क्या किया? उसको हीट किया. कब तक हीट किया? जब तक उसका प्रेशर कहां तक नहीं पहुंचा? 450 तक नहीं पहुंचा. इट मींस फाइनल प्रेशर उसने दे दिया हमको कितना है? 450 किलोपास्कल. अब अगर बलून है, आप उसमें गैस भर रहे हो, तो उसका डायमीटर भी धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा. तो इट मींस जब ये वाला प्रेशर हुआ तो डायमीटर क्या होगा? हमको वो भी कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा. उसने एक रिलेशन दिया हुआ है. क्या रिलेशन दिया हुआ है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डायमीटर. तो नाउ प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डायमीटर. ये रिलेशन हो रहा है कहीं ना कहीं. चलो क्या निकालना है हमको? वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय द गैस इनसाइड द बलून. कितना वर्क हुआ किसके अंदर? गैस के अंदर, सॉरी बलून के अंदर, जो कि गैस ने किया है. तो चलो निकालते हैं. इस इक्वेशन को लेकर के चलता हूं. ये समथिंग लाइक वेरी उसी टाइप की इक्वेशन है. P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट हमने ले लिया K dQ, और मैं बोल सकता हूं P बाय dQ इज इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट है K, विच इज इक्वल टू क्या हो सकता है? यही कॉन्स्टेंट है, तो इसको बोल सकता हूं P1 बाय d1 क्यूब इज इक्वल टू P2 बाय d2 क्यूब इज इक्वल टू, और आगे ये कहां तक जा सकती है? Pn बाय dn क्यूब तक जा सकता है आगे. ये रिलेशन आगे तक जा सकता है. हमको किसकी जरूरत है? सिर्फ इसकी जरूरत है. ये इसकी जरूरत से क्या होगा? देखो यहां पर निकालते हैं ना, ये रिलेशन लिया हमने P1 बाय d1 का क्यूब इज इक्वल टू P2 बाय d2 का क्यूब क्यूब. ठीक है, P1 गिवन है, हाँ है 150, मेरा P1 150, D1 गिवन है, हाँ 1 का 1 मीटर क्यूब इट मींस 1 इज इक्वल्स टू, P2 गिवन है, यस 450 किलो पास्कल, दोनों की यूनिट भी क्या है? सेम है. नाउ ये क्या है? D2 क्यूब. 150 से 450 घटा 13, तो D2 क्यूब इज इक्वल्स टू कितना आया? 3. इसको सॉल्व करोगे जब आप केल्सी में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.44 किस में? मीटर में. किलो पास्कल से किलो पास्कल कैंसिल हो गया, ये किस में था? मीटर में था. मीटर क्यूब में था, क्यूब रूट निकाला, तो ये किस में आया? मीटर में. तो हमारे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई किसकी? ठीक है, D2 की. नाउ
हमको क्या निकालना है, वर्क निकालना है। वर्क क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डीवी। अब प्रेशर का रिलेशन तो हमको यहां से पता है, बट वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में कोई चीज गिवन है क्या? नहीं। तो सबसे पहले उसने क्या बोला था, लाइन में देखो, स्फेरिकल बलून, स्फेरिकल बलून, तो स्फेरिकल बलून का वॉल्यूम कितना होता है, स्फेयर, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³, πr³। नाउ हमारे पास आर नहीं है तो हम बोल सकते हैं इसको 4/3 πd/2³। कोई दिक्कत? और आगे जाओ तो इसको हम बोल सकते हैं 4/3 πd³/8। इससे कटा 2 times, ये कितना बचा, 5/6 d³। ठीक है, ये क्या था, वॉल्यूम। यहां पर क्या है, चेंज इन वॉल्यूम और डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेशन निकाल लेते हैं हम, इसको डेरिवेट करो, डीवी इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करेंगे जब हम बोथ साइड्स तो क्या होगा, ठीक है, 5/6 तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आएगी, डी क्यूब का डिफरेंशिएट क्या होगा, 3d² × डिफरेंशिएट ऑफ डी। इसको किसके साथ, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था हमने, डी के रिस्पेक्ट में किया, और डी को हम कहां ले गए, उस साइड ले गए। नाउ डीवी की वैल्यू कितनी आ गई, ये 3 से ये कटा कितने टाइम्स, 2 times, तो 5/2 d² dd, ये निकल करके आ गया। नाउ इस वैल्यू को हम कहां पुट कर देते हैं, यहां पर, और पी की वैल्यू है हमारे पास, क्या है वैल्यू, यहां से पी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि पी इज इक्वल टू क्या, कोई के डी क्यूब है, ठीक है, कोई के डी क्यूब है। तो चलो इन सब वैल्यूज को यहां पर पुट कर दो, तो नाउ वर्क इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है, के डी क्यूब, के डी क्यूब इंटू डीवी की वैल्यू कहां है, डीवी कहां है, ये रहा डीवी, इसकी वैल्यू कहां है, ये रे, क्या है इसकी वैल्यू, 5/2 d² dd। क्या क्या चीज कॉमन बाहर आ जाएगी, के इंटू 5/2, ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन किसका बचेगा, 1 से 2 प्रोसेस, इनिशियल प्रोसेस से कहां गया, फाइनल प्रोसेस पे गया, इनिशियल प्रेशर से कहां गया, फाइनल प्रेशर पे गया, तो 2 condition है, इनिशियल से कहां तक गया, वो फाइनल तक गया। नाउ इनिशियल से फाइनल तक गया तो अंदर क्या बचा, पावर प्लस हो जाएगी, d^5 dd। इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, k इंटू 5/2 d^6 / 6। यहां तक कोई दिक्कत, लिमिट 1 से 2। नाउ k 6 अगेन कॉमन बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5/12 d^2 - d^1। d^2 और d^1 हमको पता है, k इंटू 5/12 × d^2 कहां है, ये रहा, 1.44 × 6 - 1 / 6। और k, अब यहां तक तो वर्ग चल रहा था, इसको कोई इक्वेशन दे दिया हमने, चलो यहां से इक्वेशन लेकर के चलते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, वॉल्यूम निकाला, ये इक्वेशन नंबर कोई 2 है, ये इक्वेशन हमारी 3 थी, ठीक है, और ये इक्वेशन कोई 4 है। नाउ k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू का आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या, हाँ कर सकते हैं, k की वैल्यू को किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं, k किसके इक्वल है, p₁/d₁³ के भी इक्वल है और p₂/d₂² के क्यूब के इक्वल भी है, सॉरी d₂³ के इक्वल भी है। तो k की वैल्यू को यहां से फाइंड आउट कर लो कि k क्या हो सकता है, k क्या हो सकता है, k हो सकता है p₁/d₁³, which is equals to what, p₁ कितना है 150, d₁³ कितना है 1³, it means इसकी वैल्यू कितनी आ गई k की, 150। इसको पुट कर देंगे हम यहां पर तो w = क्या आ जाएगा, 150 × π/2 × 1.44³⁶ - 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा केल्सी में 310.86 kJ। इतना वर्क क्या हुआ, गैस ने किया, कहां किया, बलून के अंदर किया, ठीक है, सिंपल स्फेरोमेरिकल था, बस थोड़ा सा लॉजिक था, स्फेरिकल बलून दे दिया था उसने और हमको कोई रिलेशन दे दिया था, सिंपल स्टेप्स को फॉलो किया और उस स्टेप्स को फॉलो करके हमने इसको क्या कर दिया, वर्क यहां पर निकाल करके दे दिया है। नाउ नेक्स्ट,
इस टाइप के न्यूमेरिकल्स कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप पीके ना बुक में भी देखेंगे तो भी आपको इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट्स पे भी कहीं न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। उन्हीं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट पे हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नाउ अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेन्स अ 0.05 मीटर क्यूब ऑफ गैस इनिशियली एट 200 किलो पास्कल, ठीक है। क्या है, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जिसका वॉल्यूम अभी कितना दे रखा है, 0.05 मीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है, और उसमें प्रेशर कितना दे रखा है इनिशियली 200 किलो पास्कल दे रखा है। नाउ एट दिस स्टेज अ लीनियर स्प्रिंग विच हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 150 किलो न्यूटन पर मीटर इज टचिंग द पिस्टन। अब उसने क्या बोला है कि पिस्टन पे जो है लीनियर हमारा स्प्रिंग जो है वो टच कर रहा है, कहां टच कर रहा है, स्प्रिंग पे टच कर रहा है, बट exerting no force on it, but उस पर कोई force नहीं लगा रहा है। चलो आगे देखते हैं। Heat is added to the gas. Again हमने उसको क्या किया, अब heat किया, तो क्या होगा, causing the piston to rise. Piston क्या हो रहा है, rise हो रहा है, ये पहले इस position पे था, अब कहां गया, ऊपर हुआ, इस position पे आया, ठीक है, and to compress the spring. चूंकि उसके ऊपर spring लगा हुआ था तो spring क्या होने लग गया, compress होने लग गया, until the volume inside the cylinder doubles. कब तक उसको हीट दी हमने, जब तक उसका जो वॉल्यूम था वो क्या ना हो गया, डबल ना हो गया, तब तक हम उसको क्या कर रहे थे, हीट दे रहे थे। इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन, जो पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो गिवन दे रखा है 0.25 मीटर स्क्वायर। नाउ फाइंड क्या करना है, फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इन द सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर जो फाइनल प्रेशर क्या आएगा, P2 हमारा वो निकालना है, और वर्क डन बाय द गैस, गैस ने इसके अंदर क्या वर्क किया है वो निकालना है। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज गिवन दे रखी ना, गिवन अगेन इसमें वापस से क्या आएंगे, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखे तो सबसे पहले अजम्पशंस लिखिए कि सिस्टम कैसा है, क्लोज्ड सिस्टम है जहां पर हम वर्क कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और सेकंड जो प्रोसेस है वो किस टाइप की प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। इस बार भी क्वेश्चन पे उसने कोई क्वेश्चन में ऐसा शो किया कि कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, एडियाबेटिक है, पॉलीट्रोपिक, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली क्या कर दिया, क्वेश्चन दे दिया। तो चलो देखते हैं सबसे पहले क्या क्या चीज दी है। पिस्टन सिलेंडर डिवाइस दिया है जिसका वॉल्यूम सबसे पहले V1 कितना दे रखा है इनिशियली 0.5 मीटर क्यूब। नाउ P1 कितना दे रखा है उसके अंदर प्रेशर 200 किलो पास्कल दे रखा है। लीनियर स्प्रिंग जो उससे जुड़ा हुआ है उसका कोई स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको मैंने K से डिनोट किया हुआ है वो उसने दिया हुआ है कितना 150 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, और क्या दे रखा है उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, हीट ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है, कॉजिंग द पिस्टन राइज स्प्रिंग अंटिल द वॉल्यूम इनसाइड द सिलेंडर डबल्स। इसका मतलब क्या है कि जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल है, ट्वाइस द इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल है, इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल है, इट मीन्स मैं इसको बोल सकता हूँ ये कितना हो जाएगा 0.1 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, एरिया, पिस्टन का एरिया दे दिया उसने कितना 0.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये चीजें तो कंडीशन से गिवन थी। नाउ अब इसको हम करते हैं ड्रॉ, कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम दो कंडीशन ड्रॉ करते हैं, एक होगी हमारी इनिशियल कंडीशन, दूसरी होगी हमारी फाइनल कंडीशन। नाउ इनिशियल कंडीशन पे क्या है, ये मेरा कोई पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, ठीक है, ये कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये पिस्टन है मेरा, इसके अंदर है गैस, ठीक है, ये लगा हुआ है स्प्रिंग, ठीक है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, यहां पे वॉल्यूम है V1 और प्रेशर है P1, जिनकी वैल्यूज जो है वो यहां पर गिवन है 0.05 और कितनी 200, ठीक है, ये क्या है, ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, कोई दिक्कत नहीं। ना ये फाइनल है, फाइनल में उसने क्या बोला सबसे पहले तो कि जब इसको हीट दी, अब हम इसको क्या देना स्टार्ट कर रहे हैं, अब हीट देना स्टार्ट कर रहे हैं, हीट देंगे तो ये पिस्टन जो है ये क्या होगा, राइज होगा। क्वेश्चन में बोला है कि पिस्टन क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, और स्प्रिंग जो है वो क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, क्योंकि वो तो यहां पर अटैच्ड है, और कब तक हो रहा है, जब तक इसका वॉल्यूम क्या ना हो, डबल ना हो। तो पहले कोई पिस्टन की पोजीशन में मान के चलता हूं यहां थी, तो अब फाइनल कंडीशन में पिस्टन की पोजीशन कहां गई, कोई यहां पर आ गई, ये कोई पिस्टन की पोजीशन आ गई,
कहां चला गया वो, यहां से कहां चला गया, यहां चला गया। ये उसकी कोई इनिशियल कंडीशंस थी, यहां तक इनिशियल थी, जब हीट दिया तो यहां तक चला गया। नाउ ये लगा हमारा स्प्रिंग, ये क्या हो गया भाई, सब पूरे कंप्रेस हो गए, ये स्प्रिंग क्या हो गया यहां पर कंप्रेस हो गया। तो नाउ अब इसके अंदर जो प्रेशर है वो कोई पी टू है, हमको गिवन नहीं दिया हुआ है, वही हमको फाइंड आउट करना है, और वी टू है जो कि 0.1 मीटर क्यूब पे इक्वल है, चूंकि उसने बोल दिया है कि वॉल्यूम अंटिल द वॉल्यूम डबल्स, ठीक है, अंटिल द वॉल्यूम इनसाइड द सिलेंडर डबल्स। और कुछ चीज गिवन दे रखी है क्या, नहीं। तो चलो अब चूंकि राइज हुआ तो मैंने माना कि ये कोई एक से डिस्टेंस इसने क्या कर ली, कहीं ना कहीं ट्रेवल कर ली। अभी ये एक से डिस्टेंस कितनी है ये हमको नहीं पता। नाउ इसका इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाओ, कल जब हमने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस देखी थी तो वहां पर इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाया था, फोर्स इक्विलिब्रियम डायग्राम, यहां पर भी बनाते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए अगर मैं फोर्स इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाऊंगा तो क्या होगा, पी वन प्रेशर किधर एक्ट करेगा, अपवर्ड साइड ये एक्ट कर रहा है पी वन प्रेशर, और कितने पे कर रहा है, ये पिस्टन के एरिया पे कर रहा है, ए पे। और क्या एक्ट कर रहा है, ये एटमॉस्फेयर है, खुला है, तो यहां से हमारे पास क्या चीज एक्ट कर रही है, पी एटीएम इनटू ए, और साथ ही साथ क्या चीज नीचे एक्ट कर रही है, वेट, किसका वेट, पिस्टन का वेट, ये कहां एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां से मैं एक इक्वेशन निकाल सकता हूं, क्या क्या होगी, फोर्स इक्विलिब्रियम अगर कर लो तो मैं पी वन ए इज इक्वल्स टू पी एटीएम ए प्लस डब्ल्यू, और मैं यहां से W की कोई वैल्यू निकाल रहा हूं, W की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी वन ए माइनस पी ए टी एम ए। पी ए टी एम क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर है, और पी वन क्या है, इनिशियल प्रेशर है, किसका, गैस का। नाउ इसमें भी मैं यही कर लेता हूं, इक्विलिब्रियम डायग्राम बना लेता हूं, ये कोई मेरी इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट, इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या दे रहा हूं, वन। अब इसमें क्या क्या चीज एक्ट कर रही है, पी टू एक्ट, तो एक्ट कर रहा है किस साइड, अपवर्ड डायरेक्शन में इनटू एरिया, और क्या एक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक, जो तो इसमें भी कर ही रहा था, यहां पे भी अभी भी खुला है, तो एटमॉस्फेरिक फोर्स भी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या कर रहा है, डाउनवर्ड साइड एक्ट कर रहा है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया, वेट एक्ट कर रहा है, और कुछ एक्ट कर रहा है, हाँ करेगा, जब स्प्रिंग क्या होगा उस पर कंप्रेस हो रहा है, तो स्प्रिंग का फोर्स भी तो लगेगा, किस साइड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इनिशियल कंडीशन पे, उसने हमको क्वेश्चन में बोला हुआ था, क्या बोला हुआ था, बट एक्सर्टिंग नो फोर्स ऑन इट, अभी कोई फोर्स नहीं लगा रहा था, बट जब हमने उसको गेज दे दी उसके बाद क्या हुआ, वो फोर्स लगा रहा है, किधर लगा रहा है, नीचे डाउनवर्ड साइड लगाएगा, जब वो ऊपर कंप्रेस होगा तो वो फोर्स किस साइड लगाएगा, डाउनवर्ड साइड लगाएगा। तो इट मींस यहां पर मैं बोल दू कोई स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा था, और किस पे लग रहा था, इतने एरिया पे लग रहा था, पिस्टन के एरिया पे लग रहा था। चलो इसका भी इक्विलिब्रियम फोर्स कर देते हैं हम, क्या क्या चीज अपवर्ड साइड डायरेक्शन में जा रही है, पी टू ए, और कुछ अपवर्ड नहीं है, सारा डाउनवर्ड है, तो यहां पे लिख देते हैं पी एस ए प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया प्लस वेट, ये चीजें आई। चलो वेट, वेट की हमने यहां से निकाला है, ये भी वेट वही है, पिस्टन का वेट तो दोनों ही समय क्या होगा, समान होगा, तो हम इसकी जो वैल्यू है वेट की उसको यहां पर पुट कर दें, यहां पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी टू ए इज इक्वल्स टू पी एस ए प्लस पी एटमोस्फियरिक ए प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, पी वन ए माइनस माइनस पी एटमोस्फेरिक ए। अब देखो यहां पे भी एटमोस्फेरिक ए प्लस में, यहां पर भी एटमोस्फेरिक प्रेशर और इनटू ए, ये किसमें, माइनस में, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो गए, तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बची, अब हमारे पास इक्वेशन क्या बची रही है कि पी टू ए इज इक्वल टू पी एस ए प्लस पी वन ए। एरिया तो ये भी पिस्टन का है, ये भी पिस्टन का है, ये भी पिस्टन का है, इसको कॉमन निकाल लेंगे तो तीनों आपस में कट हो जाएंगे, तो मैं बोल सकता हूं कि फाइनल प्रेशर जो है वो किसके इक्वल है, इनिशियल प्रेशर प्लस जो पिस्टन का प्रेशर लग रहा है उसके इक्वल होगा, कौन सा, फाइनल प्रेशर। नाउ इसको मैं दे देता हूं कोई इक्वेशन नंबर टू, चलो इक्वेशन नंबर टू दे दी। अब स्प्रिंग का प्रेशर कितना लगेगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स, फोर्स कौन सा, स्प्रिंग फोर्स अपॉन एरिया, स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रहा है, तो इसका कोई हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, कॉन्स्टेंट दे रखा है स्प्रिंग फोर्स का, कि वो कितना लगा रहा है, 150 किलो न्यूटन लगा रहा है, इंटू इंटू
क्या है, फोर्स है तो डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस कौन सी, ये एक्स डिस्टेंस है, इस एक्स डिस्टेंस तक वो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। एरिया कौन सा एरिया, पिस्टन का एरिया कौन कितना है, ये रहा 0.25 है, 0.25 है। अगेन वहां पर अननोन क्या आ गया, x, तो मैं अगेन इस इक्वेशन को नंबर दे देता हूं इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ अब x फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, देखो ये वॉल्यूम v2 है, यहां से लेकर के यहां तक वॉल्यूम v2 है, यहां से लेकर के यहां तक वॉल्यूम क्या है v1, तो इतना जो एरिया है, ये जो एरिया है इसको मैं बोल सकता हूं ये v2 माइनस v1 के इक्वल है, बोल सकता हूं ये v2 माइनस v1 के इक्वल होगा, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ये वॉल्यूम का डिफरेंस, ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम को क्या बोल सकते हैं, एरिया इंटू इतना डिस्टेंस, उससे भी वही वॉल्यूम निकलेगा, तो एरिया इंटू इतना डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस। नाउ v2 हमको मालूम है क्या, यस 0.1, v1 मालूम है क्या, मालूम है, एरिया मालूम है, यस मालूम है, x की वैल्यू वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा 0.05, v2 और v1 की वैल्यू यहां पर पुट करके मैंने निकाल लिया 0.25, एरिया चूंकि हमको v1 दे रखा है इंटू x, x की वैल्यू मैंने यहां से फाइंड आउट कर ली कितनी आएगी 0.02। नाउ इस वैल्यू को कहां पुट करना है, ये किस में आई है, मीटर में आई है, ये मीटर क्यूब था, ये मीटर स्क्वायर था, यूनिट कटी तो क्यूब से मीटर स्क्वायर कैंसिल होकर के क्या बच गया, सिर्फ मीटर बच गया, तो x की वैल्यू यहां पर मेरे पास आ गई कितनी 0.2 मीटर, उसको वहां पुट कर दो तो पीएस की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 150 × 0.2 / 0.25, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स कितना आ जाएगा 120 किलो पास्कल, मेरे पास क्या आ गया स्प्रिंग फोर्स आ गया 120 किलो पास्कल, मेरे पास क्या आ गया स्प्रिंग फोर्स आ गया। इस 120 किलो पास्कल को यहां पर अगर मैं पुट कर देता हूं, अब इधर की कंडीशंस मिटा रहा हूं, इनिशियल फाइनल का गेम भी खत्म हो गया है, सब चीजें हमने वहां से फाइंड आउट कर ली है, इसको नोट करते चले तो अच्छा रहेगा। नाउ हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ये वाली P2 की, नाउ P2 इज इक्वल टू P1 प्लस PS, P1 गिवन था हमको कितना 200 किलो पास्कल और PS कितना है 120 किलो पास्कल, तो मैं इससे निकाल सकता हूं कि मेरा टोटल प्रेशर, फाइनल प्रेशर कितना आया 320 किलो पास्कल। एक चीज तो फाइंड आउट होगी जो उसने बोली थी फाइनल प्रेशर निकालना है, वो फाइनल प्रेशर हमने निकाल करके इसको दे दिया। ना अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे निकालना है वर्क डन, वर्क डन के लिए यहां पर मेरे पास प्रेशर और वॉल्यूम में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, तो मैं क्या कर रहा हूं सिंपल सा फिनोमेना लगा रहा हूं, ये मेरा पीवी डायग्राम है, ये वी है, पी है। ना इनिशियल और फाइनल कंडीशंस को मैं क्या कर रहा हूं यहां पर प्लॉट कर रहा हूं, इनिशियल और फाइनल कंडीशंस को यहां पर प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, जैसे ये कोई प्रेशर के बार से दिए, इधर प्रेशर की लाइन दी हुई है, यहां जो लाइन आएगी वॉल्यूम की लाइन आएगी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, वी वन कितना था, कोई 0.5 था, 0.05 था, ये यहां पर मैं नीचे गिरा देता हूं, ये है मेरा वी वन जिसकी वैल्यू कितनी है 0.05 मीटर क्यूब, और इस पे प्रेशर कितना है, पी वन कितना दे रखा है यहां पर, पी वन दे रखा था मेरे को 200 किलो पास्कल। चलो दूसरी कंडीशन क्या थी, जब वॉल्यूम मेरा कितना हो गया 0.1 हो गया, मतलब मैं मान लेता हूं चलो यहां पर मेरा वॉल्यूम कितना हो गया 0.1 हो गया, तो ये 0.1 यहां तक, ये वाली लाइन 0.1 की, बट प्रेशर कितना हो गया 320 हो गया, 320 हो गया, तो कहीं ये मान लेता हूं मैं यहां पर कोई प्रेशर है मेरा 320, ये लाइन नीचे आ गई, ये हो गया वॉल्यूम मेरा 0.1 v2, और ये वाला जो पॉइंट है इनके कोऑर्डिनेट्स को मैंने निकाल लिया, इससे ये हो गया p2 इज इक्वल टू व्हाट 320 किलो पास्कल। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा, ये दोनों पॉइंट्स को किस प्रकार से जोड़े, हमारे पास पॉइंट्स तो आ गए, एंड पॉइंट आ गए, अगर हम इसको किसी कर्व से, किसी लाइन से किस प्रकार जोड़ दें और उसको प्लॉट कर दें, किस पे, वॉल्यूम एक्सिस पे, तो वर्क निकल जाएगा। हमने डेफिनेशन में बोला था कि जो हमारा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, PdV होता है, वो किसके इक्वल होता है, एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्लॉटेड इनटू वॉल्यूम एक्सिस, तो उसके इक्वल आ जाएगा। नाउ इसका रिलेशन अब हमको निकालना पड़ेगा, इसका रिलेशन कैसे निकालें, इसका रिलेशन निकालने के लिए हम प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देखना पड़ेगा। नाउ इस इक्वेशन से हम प्रेशर और वॉल्यूम का कहीं ना कहीं रिलेशन देखते हैं, किस प्रकार,
देखो पी टू क्या है, पी वन प्लस पी एस के इक्वल है, ठीक है। ये पी एस भाई साहब किसके इक्वल है, एफ एस बाय ए के इक्वल है, और ये एफ एस बाय ए एक्चुअली में किसके इक्वल है, के एक्स बाय ए के इक्वल है। ये सारी कंडीशन हमने यहां देखी है, एफ एस किसके इक्वल था, के एक्स बाय ए के इक्वल था, और एक्स एक्स किसके इक्वल है, ये चेंज इन वॉल्यूम है, तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं कि के इंटू डेल वी बाय ए, एक तो ये वाला, दूसरा ए कौन सा, x की वैल्यू को, ये x की वैल्यू कैसे निकाली, v2 by v1 divided by a, और v2 by v1 ही मेरे लिए क्या है, del v, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि p2 is equal to क्या है, p1 plus k del v by a square, यही लिख सकता हूँ, ये equation put करी। Now powers देखो, pressure की power कितनी है, 1, 1, volume की power कितनी है, 1, अगर 1 है, it means ये किस type की line show करेगा, एक linear line क्या कर देगा, show कर देगा, लीनियर लाइन शो कर दी, चलो लीनियर लाइन शो कर दी, और इसको हमने कहां पर प्लॉट कर दिया, अब वॉल्यूम एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया, तो वॉल्यूम एक्सिस पे क्या कर दो, ड्रॉ कर दो, ये वॉल्यूम एक्सिस पे हमने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया, वॉल्यूम एक्सिस पे ड्रॉ प्लॉट किया, तो वर्क कितना निकल जाएगा, एरिया अंडर द कर्व। अब ये कर्व जो दिख रहा है, ये किस टाइप का दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के इक्वल दिख रहा है, ट्रेपेजियम उसके इक्वल दिख रहा है, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1 बाय 2 दिस, ये हाइट प्लस ये हाइट, हाफ ऑफ 200 प्लस 320 इनटू ये माइनस ये, इन दोनों का डिफरेंस, इस पॉइंट और इस पॉइंट की जो वैल्यूज होती है उनका क्या हो जाता है डिफरेंस, तो 0.1 माइनस 0.05। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये 520 है, चलो 520 का आधा भी कर देते हैं मैं, 260, ठीक है, ये 520 का आधा 260 इनटू 0.05, इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा कितना, 30 किलो जूल। किलो जूल क्यों, क्योंकि प्रेशर किसमें, किलो में, इसी के लिए एनर्जी की यूनिट हमको मालूम है क्या होती है, जूल होती है। अब ये चूंकि किलो में है, तो इसके लिए वर्क किसमें निकला, किलो जूल में निकला है। यह हमारी फर्स्ट, पहली चीज यहां पर फाइंड आउट होगी, सेकंड चीज यहां पर फाइंड आउट होगी। ऐसा होता है कभी कभी क्वेश्चंस में कि वो डायरेक्ट वर्क डन ना पूछते हुए दो वर्क पूछेगा, जैसे गैस अभी जो हमने सिस्टम देखा उसमें दो वर्क किए, कौन से दो वर्क किए, पहला वर्क किया कि पिस्टन को राइज किया, और दूसरा वर्क यह किया कि जो स्प्रिंग लगा था उसको कंप्रेस किया। तो अब अगर वो अलग अलग बोलते कि पिस्टन राइज हुआ तो कितना वर्क हुआ, और स्प्रिंग कंप्रेस हुआ तो कितना वर्क हुआ, तो हम वो भी बता देते हैं। देखो इस लाइन को आप सीधा ड्रॉ कर दो, ये पिस्टन है, तो ये वाला जो एरिया है, ये इस लाइन के बाद वाला जो एरिया है, ये एरिया किसका है, ये एरिया किसके है, तो राइज ऑफ पिस्टन यहां से निकलेगा, राइज ऑफ पिस्टन यहां से निकल जाएगा हमारे लिए, और ये वाला जो एरिया है, ये एरिया किसका है, तो कंप्रेस ऑफ स्प्रिंग, कंप्रेस ऑफ स्प्रिंग। इन दोनों को भी आपस में कैलकुलेट कर लोगे तो भी आपका वर्क निकल जाएगा। नाउ अब देख लेते हैं हम, ठीक है, सेकंड स्टेप से कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्या स्टेप हो पाएगी उसके लिए। फर्स्ट इसका, तो ये एक प्रकार से ट्रायंगल है, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो राइज सबसे पहले हम क्या निकाले, कंप्रेस, स्प्रिंग वर्क भी बोल सकते हैं इसके, ठीक है, कंप्रेस और स्प्रिंग वर्क, स्प्रिंग वर्क जो कि क्या है, स्प्रिंग वर्क इज इक्वल टू हाफ इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, हाफ इंटू ये कितना डिफरेंस है, 120, हाफ इंटू 120, ठीक है, b इंटू एच, ओह सॉरी के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग का वर्क है इस प्रकार, नहीं इस प्रकार निकलता है, हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर, के क्या है, के उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है जो कि हमको गिवन था, कितना गिवन था, 150 गिवन था, तो हाफ 150, और एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी है, यहां पर फाइंड आउट करी थी 0.2 का स्क्वायर, इसको केल्सी में सॉल्व करके देख लो तो आपका आ जाएगा कितना, 3 किलो जूल, 3 किलो जूल क्या आएगी, स्प्रिंग का वर्क आ जाएगा। और किलो क्यों आया, क्योंकि के की जो वैल्यू निकली है या जो गिवन दी थी 150, वो किसमें थी, किलो न्यूटन में थी, किलो में थी, इसी के लिए इसका वर्क जिसमें आया, किलो में आया। अब इसका निकालना है अगर राइज ऑफ पिस्टन का, तो सिंपल चाहिए मेरे लिए, क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इंटू दिस, एरिया हाइट इंटू ब्रिथ, तो हाइट कितनी है 200, और ब्रिथ कितनी है, कितनी है, तो 200, ये पिस्टन, पिस्टन का वर्क जब निकालेंगे हम, पिस्टन का वर्क जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, 200 इंटू 0.05, यही बोल सकता हूं,
और इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 10 किलो जूल। आपस में दोनों को प्लस कर दो 3 + 10 ऑटोमेटिकली आपका क्या आ जाएगा 13 किलो जूल आ जाएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल समझ में आया। इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल जो होते हैं जो हमको पूछे जा सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, और ये बेसिक फंडामेंटल्स के, आप अगर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओगे तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे। बस ये है कि जो जो क्वेश्चन में दी है उसकी एक एक लाइन को पढ़ो और उस एक एक लाइन से आप इनको सॉल्व करो। ठीक है, इस न्यूमेरिकल्स में आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम्स आती है, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर अच्छा लगे, या आपकी कोई प्रॉब्लम्स ऐसी हो जिसको आप चाहते हैं कि उसको भी हम बोर्ड पर सॉल्व करें तो उस क्वेश्चन को वहां पर पुट करें और जरूर लिखें कि इसे भी सॉल्व करके दिखाया जाए तो हम उसे भी यहां पर सॉल्व करके बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। धन्यवाद।